सुबह सुबह हस्बैंड जी लग गए हैं काम करने के लिए घर का। गाय सब जो है ना यहाँ पे बड़ा हो रहा है, उसको ऊपर में क्या चाहिए, भाड़ा चाहिए, तो उस वजह से वो भाड़ा बांध रहे हैं। और फिर पपाया देखो येलो येलो हो गया, आज भी बोल रहे हैं कि आज नहीं तोड़ना है, शनिवार को तोड़ोगे ना, बोले तो बृहस्पतिवार तो तोड़ोगे, आज बृहस्पतिवार है फिर आप बोल रहे हो आज नहीं तोड़ना है पपाया। और सूरज देखो यहाँ पत्ता के बीच से दिख रहा है, छोटा पड़ गया वो, काम के चलते मेरे भिंडी का गाछ तोड़ दिए हैं चकटा चकटा के, इतने भारी वजन का लोड वो कैसे संभाल सकता है ना अभी। दांत तो पड़ेगा तो छुट्टा हो गया, छोटे छोटे कहाँ देख देख के काम करेंगे। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी, कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप सभी को स्वागत है टूशी शाहानी पे, और हम लोग भी एकदम मस्त है। आज कितना रोजा है बेबी? आज कल 13 था, 14 था, आज 14 रोजा है, तो 13 ही था ना, मुझे नहीं पता। सुबह सुबह तो काम चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, किट्टू चला गया है, मासी जा चुकी घर पे, वहाँ पे कल के दिन ब्लॉग नहीं बनाए हैं, बिल्कुल नहीं बनाए हैं। कल सुबह से लेकर सुबह जब हम लोग सोकर उठे हैं ना तब लाइट था, तो ये चले गए थे कल काम पे, उसके बाद हम जब फ़ोन चार्ज पे लगाने जाएंगे तो फ़ोन लाइट नहीं था, उसके बाद हम सोचता आएगा तो लगाएंगे, रात में लगाए नहीं थे, बिल्कुल चार्ज नहीं था फ़ोन पे, 10-12% चार्ज था, सुबह में ही लगाते हैं। और पूरा दिन भर लाइट नहीं आया, लाइट आया है रात का 8 बजे के बाद, है ना, अब आने से कुछ टाइम पहले आया है, 8 बजे के बाद आया है, फ़ोन चार्ज पे लगाया, उसके बाद तो खाना पीना सोना, ना एडिट कर पाए हैं, ना पोस्ट कर पाए हैं, ना कुछ ब्लॉग बना पाए हैं, शूट कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं आज करेंगे। और कल ना मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, मतलब वो क्या बोलते हैं वो हुआ है, मुझे नहीं पता उसमें क्या सच्चाई है और कितना सच्चाई है, पर हम वो फील किए हैं। हम रात में कल भोर में सो रहे थे तो भोर में हम सो रहे थे ना, तो मेरे एकदम मुँह के पास आके ना कोई बुलाया टूसी बोल के, और ये नाम ना मेरे मायके वाले जानते हैं, मेरे यहाँ पे कोई नहीं बुलाता है, तो इतने पास से मुझे फुकारा है ना, जैसे गर्म हवा आके ना मेरे यहाँ पे लगा फील हुआ वैसे, तो हम सोचे कि ये बुलाए होंगे, उठे होंगे सुबह में, फिर हम सोचे ये तो मुझे ये नाम से बुलाते ही नहीं है, ये तो बेबी बोलते हैं, तो ये कौन बुलाया। आँख खुल के जब देखे ना उस टाइम पर मेरे पास कोई नहीं था, किट्टू बगल में सोया हुआ था और ये लोग सब बाहर सैरी कर रहे थे, इतना डर लगा था। उसके बाद ना गाइस कल पूरा दिन मेरे सर पे और मेरे गर्दन पे इतना ज़्यादा दर्द और वो भारीपन सा फील होना, मुझे नहीं पता मतलब क्या हो रहा था मेरे साथ, कि कभी ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं था, हम घर पे सबको बोले भी थे तो बोले इग्नोर करो ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी मुझे कुछ अजीब सा डर जैसा लग रहा था। पर कल का दिन बहुत ही ख़राब था, एक तो लाइट नहीं था ऊपर से, और मतलब कुछ अजीब सा जैसे भारीपन सा वो बस हो रहा था। पर आप लोगों के साथ कभी अगर ऐसा हुआ है ना प्लीज बताना, और अभी हम एकदम ठीक है। नहीं नहीं देखो ईद आ रहा है ना, हर रोज कपड़े वाले आते हैं, हर रोज आएंगे। मुझे 1000 दे देना, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए। अच्छा मेरी बात सुन रहे हो ना, मुझे 1000 रुपये दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, दोगे तो हिसाब ले लो क्या करना है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो, पर आप ऐसा करते थे मुझे मुझे मालूम है कि आप क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं मुझे मालूम है ना, क्या करने वाले हैं। हाँ बोलो क्या करने वाले हैं। आप ही जानो। कुछ नहीं मुझे चाहिए बस, परमिशन मिल गया, अगर झगड़ा हुआ ना तो वो भी हम लाइव डाल देंगे। अगले साल भाड़ा पे यही सब नेट लगा हुआ था, बहुत सारा सड़ गया था, बहुत सारा अच्छा था, और जो अच्छा था वही दोनों मिल के खोल के बाँच रहे हैं, ताकि इस पे दे के कम्प्लीट कर सके, क्योंकि जो तार था ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, 2-3 लंबा देने में, अब तो चौड़ाई पर भी देना था, तो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए, फिर हम बैठ गए। हेयर कटने पापा के साथ जाओगे? पापा के साथ अभी नहीं, अभी आ जाओ। जाएंगे तो अभी बंद है, ये दुकान बंद है, अंकल का दुकान ना बंद है, खुला नहीं है। आ जा। बंद है दुकान पापा के साथ जाओगे, अकेले नहीं जाना, स्ट्रेंजर उठा लेगा।
हाँ अकेले नहीं जाना है, पापा के साथ जाना है। देखो पापा का हो गया बन के तैयार, भाड़ा बन गया, नेट अंदर में ऊपर में नेट बिछा दिया है, इस पर दिखता नहीं है ऐसे ना। किधर किधर है? हाँ वही है, तो यही मालूम है। हाथ नहीं दो बेटू, हाथ नहीं दो, उसने फल लगा है बाबू, हाथ नहीं दो। कहाँ चोट लगा है दिखा दो, दिखा दो बेटा कैमरा में, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, अंकल आंटी को दिखा दो, ऐसे करके अंकल आंटी को दिखा दो कैसे लगा है चोट। हाँ यहाँ फैन दिखा, दिखा दे तो कहाँ लगा है चोट, दिखा दे तो गिरे थे जो, दिखा दो ऐसे करके दिखा दो, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ दिखा दो कैमरे में दिखा दो, नहीं दिखाएगा। अरे कुछ नहीं करेंगे अब तो, हो गया, बहुत दिन से रखा हुआ था, बताओ। हटो बेटा, बन गया ये बाबा, बहुत धार है, बहुत धार है। हाँ ये मिट्टी उखाड़ने वाला है, जब मामा गाछ लगाएगी, पापा गाछ लगाएंगे ना, तो इससे मिट्टी उखाड़ दिया करेंगे। अच्छा ही बन गया है, घर के काम के लिए सही है। किट्टू किट्टू बाबू, मामा को हाथ दिखा दो, कहाँ चोट लगा है दिखा दो। दिखा दो, कुछ नहीं करेंगे, मामा बस देखेगी। भाग गया, जैसे चोट लगा उसको हम लोग देखने लगे कि कहाँ गया, वो भाग गया पूरा झोपड़ी तक, वहाँ रोड तक, फिर हम दोनों दौड़ दौड़ के लेके आए हैं। देखे शॉर्ट्स देखने का नतीजा देखे, उतरो पहले, आप उतरो, हे हे उतरो, लग जाएगा बेटा, पापा को लग जाएगा, पापा को लग जाएगा, उतरो। गुड आफ्टरनून। आज ना एक कमाल का चीज हुआ है, मेरी मासी लोग जो पंजाब में रहते हैं, वहां से फोन आके बोला कि बोतल में करके ना कुतुब मीनार का मीनार दिख रहा है, तो हम लोग बोतल में करके लाल किला का ना, तो कुछ खोल सकते हो, तो ना तो उसमें ना वो मतलब बोतल देखो लंबा टाइप का है, उस टाइप का सूरज का उधर से स्प्राइट का जो बोतल होता है ना ग्रीन वाला, तो ग्रीन व्हाइट जो भी हो उसमें पानी भर के लोग क्या करे सूरज के सामने देख रहे, तो उसमें एक तरफ से जो है ना तो मीनार होता है ना गुम्बद, जो बंगाली में बोलते हैं ना पोती छवि, मतलब यहाँ आके वो सोनू की इधर से आ रहा है, का जो आकार होता है ना उस तरह का दिखाई दे रहा है बोतल में, तो वो थोड़ा सोनू फिर ऐसे चौड़ा करके फिर सोनू आ रहा है पूरा उस तरीके का दिख रहा है, तो सारे में हो रहा है और जब भी देखोगे तब भी होगा, पर अब इससे ज्यादा पता नहीं, पर हाँ सब दिख रहा है, लॉजिकली हो रहा है। हाँ ये तो लॉजिकली है, पर इसमें अगर कोई मतलब कोई किसी के साथ जोड़े तो मुझे नहीं पता कितना दूर तक वो होगा, पर हाँ धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है इधर से, अच्छा सनलाइट उधर है ना इसीलिए, इधर से कितने क्लियर आ रहा है। काउंट करो कितना है, काउंट करो कितना है, फेको मत, वन टू करके काउंट करो, एक दो आपको नहीं आता है पूरा, दो, तीन, चार, पांच, इसको हटाओ।
संजना के लिए पीस ले रहे हैं मसाला, सरसों वाला मसाला। यहाँ पे ना बस सजना सरसों देके ही बनता है, जो ज़्यादातर सबको पसंद होता है, और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बस घर पे सब खाते हैं तो बना लेते हैं, अब घर पे बनता है तो खा ही लेते हैं ज़बरदस्ती, मन तो बिल्कुल नहीं करता। मुझे सजना का सूप तो हो गया, मछली देके झोल हो गया, जो बंगाली स्टाइल बनता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, जब घर पे हम जब इनकम करेंगे तब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लाके खा सकते हैं, पर अब ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हस्बैंड देखो ये कर रहे हैं, तरबूज काट रहे हैं, मतलब इफ्तारी का तैयारी कर रहे हैं। वो लोग सब रोज़ा रखे हैं तो इफ्तार करेंगे, और काटते काटते किट्टू चला गया रोड पे, तो ये अभी काटते काटते ही छोड़ के भागेंगे, जल्दी जल्दी इसीलिए काट ले रहे हैं। रोड पे किट्टू भागता है ना बहुत टेंशन हो जाता है। आया देखो पापा के साथ, बहुत डांट सुनता है मेरे से बस रोड पे भागने के लिए, कि हम लोगों का गेट खुला हुआ रहता है ना, इधर खुला हुआ रहता है तो पीछे के गेट से भाग जाता है, पीछे का गेट लगाने के लिए बोल रहे हैं तो लगा भी नहीं रहे हैं, ये लेकर हमेशा टेंशन रहता है। देखो मसाला पीस लिए तो यहाँ रख देते हैं, जब सब्जी चढ़ाएंगे तब यहाँ से ले लेंगे। ये हो रहा है शरबत का तैयारी, नींबू वाला शरबत। वाटर पियोगे? बुखार आ गया किट्टू को, किट्टू को बुखार आ गया। एक तो दोपहर में गिर गया, हाथ में भी बहुत ज़्यादा चोट लगा था। अपने माँ के सामने मतलब बच्चे का कुछ हो जाए ना, सच में वो जो किस तरीके से हट करता है अंदर से ना, पूरा एकदम जैसे मचोड़ देता है, इतना जोर का दर्द होता है ना, जितना बच्चे को नहीं लगता उससे ज़्यादा शायद हम लोगों को दर्द फील हो जाता है, माओं को, मेरे अकेले को नहीं सारे माओं को। देखो इफ्तार का सब तैयारी करके सब बैठे पड़े हैं, बस अजान का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम इधर चढ़ा दे रहे हैं सजना, हमारे उधर हम लोग उधर ना सजना डाटा बोलते हैं। तो घर का पसंद सारे का, मतलब हस्बैंड को भी पसंद है, सास माँ को भी पसंद है, और मम्मी बोलती है कि सजना खाने से बीपी लो हो जाता है, मुझे ही मना करती है, जबकि गर्मी के टाइम पे सजना खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। मुझे नहीं पता ये सब मीत सब क्यों मानते हैं लोग, जबकि सजना खाने से ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो कंट्रोल में रहता है, सजना भी और सजने का पत्ता भी। देखो शाम हो गया, शाम हो चला है, बाहर बैठे हैं उधर किट्टू के पापा और किट्टू खा रहे हैं। तो ये सब ना भाजी भूज लिए थे, लाट में डाल दिए टमेटो, क्योंकि सजना की सब्ज़ी में मम्मी लोग बोलती है टमेटो ना हो तो टेस्ट या नहीं आता है, तो मुझे नहीं पता, मुझे ये सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगता। तो सब्ज़ी बना ले रहे हैं और अकेले बैठे हैं। गाइस इतना डर लग रहा है रात में ना, सब्जी भी मेरा हो चला है, और बाहर में बैठ खाना बनाते हैं और रात हो जाता है ना, शाम के टाइम कोई नहीं रहता, मम्मी चली जाती, भाभी लोगों के घर पे, हस्बैंड चले गए हैं मार्केट दुकान का कुछ माल लाने के लिए, किट्टू मासी सासू के घर चला गया खेलने के लिए। इतना डर लग रहा है गाइस बता नहीं सकते, अजीब सा एक भारीपन सा हो जाता है घर में पूरा, मतलब कैसा कैसा सब फील हो रहा है। बस सब्जी हो गई घर के अंदर, हम दौड़ के भागे, तब तक का कर रहे हैं इंतज़ार, किट्टू को बुलाएंगे, आया तो ठीक है, नहीं आएगा तो या तो उसके पापा आएंगे भेजेंगे लाने के लिए, और नहीं कोई भी आएगा तो उसको बोलेंगे किट्टू को पहुंचा दो, मुझे वहाँ जाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा, बस यहाँ से उठेंगे और सीधा घर के अंदर घुसेंगे दौड़ के। बहुत डर लग रहा है।